साधारण व्यक्ति थोड़े हम हैं। गांव में घूम घूम के दवा करते हैं और एक बार जब अपना इनका मतलब दिहाड़ी हो जाता है तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग आप सभी को। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अंकित सिंह और मैं हूँ फिलहाल अभी अपने गांव में। तो भाई साहब, सुबह सुबह मेरी मम्मी भाई मूंगफली निकाल रही भाई बगीचे में से बॉयल करके खाने के लिए। और इधर देखो, ये है, इधर हल्दी लगा रखी है और उधर अदरक है। इसी में से बहुत सारी चीज़ें भाई मम्मी लगा लेती है। का भाई मम्मी उबले खाती हैं? तो भाई ये है हमारा छोटा सा बगीचा जो घर के बिल्कुल सामने ही है। और सामने है देखेंगे तो घर हमारा, जो कि उजड़ा चमन अभी पड़ा हुआ है। जब पैसे होगा तो उसको सही किया जाएगा, अभी तो उजड़ा चमन ही रहेगा। ए मैं जाई मम्मी रह जाई साइकिल कैसा आई क्या आज? हाँ, नहीं तो ना रहा तो फिर दिक्कत हो। यहाँ हम अपने हाथे देख के कसा ले तो सही रहे। हाँ तो गाइस, एक हमें साइकिल मतलब कसानी है, साइकिल लानी है, नई साइकिल घर के लिए, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए। तो रिनू जाती है ना कॉलेज जाती है तो उसको थोड़ा दिक्कत होती है, तो हम लोग छोड़ना पड़ता है हम लोगों को गाड़ी से। तो अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो शायद वो मतलब आराम से साइकिल से भी जा सकती है, और बच्चों को ज़रूरत पड़ती है तो वो भी जा सकते हैं। वैसे तो उसको ज़्यादा जाना नहीं रहता है, हफ्ते में एक बार या दो बार ही जाना रहता है। तो देखते हैं, अगर मतलब समय मिलता है तो जाता हूँ। समय क्या, समय है ही है, भरपूर समय है, घर पे है तो समय ही है। तो आज जाए मम्मी ना कसा लिए। हाँ ये देखो भाई, ये बहुत पहले हमारा ये टॉयलेट बना हुआ था, अभी इसमें कोई नहीं जाता है। अभी घर के पास बनाया ऊपर ना बड़ा सा, तो उसमें जाते हैं और इसमें कोई नहीं जाता है। ये बगीचे में बनाया गया था, उतना दूर से देखो ऐसे लेके आते थे इसमें। लेकिन इसको सही कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा, ये बहुत दिनों से ऐसे पड़ा हुआ भाई। चलो भाई देखते हैं। One hour later. तो देखो गाइस, ये बहुत गंदी लड़की है, ये पढ़ने नहीं जाती है और ये अभी इसका कोई एडमिशन नहीं हुआ है, ये पढ़ने ही नहीं जाती है। तो इसको हम करेंगे भाई अगले साल आने वाला साल में, इसको करेंगे एक अच्छे स्कूल में दाखिला कराएंगे, ताकि ये जाए अच्छे से। जहाँ जाता है उपेंद्र ना, उसके साथ ही इसको भेजेंगे। जब इसको पिटाई करेंगे ना स्कूल में, तब इसकी हालत ख़राब होगी, तब ये डरेगी, तब समझेगी। जब पिटाई होगी ना तब जाओगी स्कूल आप, ऐसे जाओगी नहीं आप। तो भाई दोपहर के 1 बज रहे हैं और मैं अभी कर रहा था एडिटिंग, अभी हमारा जो वीडियो आ गया होगा। तो मैं एडिटिंग जो मैं गया था मंदिर पे, तो उसका मैं कर रहा था एडिटिंग। तो अभी चलता हूँ ज़रा डॉक्टर के पास, थोड़ा मस्ती उस्ती करते हैं। कैसे हैं सर जी? बहुत बढ़िया सर। बहुत दिनों से आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या बात? कहाँ कहीं गए थे क्या आप? लग तो रहा है कहीं गए थे। आप कहाँ गए थे? आप मेढक जी का दर्शन करने? जी दर्शन हुआ, बहुत अच्छा लगा। कहाँ हो गई बा? कहाँ हो गई बा? बस कहाँ जी आओ तुम यार, बैठ जाओ, पर हो बिरिंदा आप लेट जा तो फोटो खींच दो लोगों का। हाँ गर्मी है, किस शरण में आने की कोशिश कर रहा है आपके पास चुरकी है? आपके पास चुरकी पढ़ रहा हूँ, जन्म का बंधन वाला। भैया सोशल मीडिया बड़ी चुरकी तरसात देती है वो, हमारा तो सुनते नहीं कहते। साधारण व्यक्ति थोड़े आप बात कर दिए, जने धारण है और त्रिकुंड तो नहीं लगाते हैं लेकिन चोटियां रखते हैं। तो गाइस देखिए, डॉक्टर साहब का जो है चुरकी
जूम कर लीजिए, बना दिया गया है, आप देख सकते हैं ये छोटा सा। तो हम तो कह रहे हैं डॉक्टर साहब जो है इसको एसी उसी लगवाइए, इसमें ना तपन बहुत हो रही है आपके। क्या बताएं दोस्तों, डॉक्टर साहब के हम पास बैठे हैं और जो है कि यहाँ पे एसी लगाना चाहिए डॉक्टर साहब को, लेकिन क्या बताया जाए। और इतना गर्मी पड़ रही है कि ये जो देसी जुगाड़ है बेना, इससे जो है गर्मी को दूर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये गांव का सबसे बड़ा एसी जुगाड़ है, मतलब देसी जुगाड़ और एसी जुगाड़ भी इसको हम कह सकते हैं। कि आप कहने वाले कि गांव का सबसे बड़ा ये बेना है। देखिए भैया रास्ते पे कंचा खेला जा रहा है बच्चों के द्वारा, इतना धूप है फिर भी मतलब कंचा खेल रहा है, मतलब गोली खेल रहे हैं जो ऐसे ए वाला मारते हैं वो वाला। तो जूतवा तोरा तबाही ना दो चाहत रहा दो दलिया आई भी तनिया के दे दे पाचक छोटका बेगम बा पाचक है बेटा भाई, ये पाचक खाएगी, एक खट्टा मीठा पाचक आता है हजमोला, वो खाने के लिए बोल रही है। तो ये मेडिकल पे गई थी, मेडिकल हमारे पास में ही है आगे, तो हम जाके यहाँ पे बैठते हैं। चलो तो भाई लोग, आज जाने वाला था मैं साइकिल लाने के लिए, लेकिन आज गया नहीं, इतना धूप पड़ रहा है ना कि जाने का इच्छा ही नहीं हुआ। जब जाए तो आराम से साधना के लिए अच्छा हो जाए, बताओ ना साधना। तो भाई मेरे घर के सामने हमारा एक केला लगा है, केला का ये छुघार बोलते हैं हम लोग। और देखो ये कैसे चिड़ी खा रही है, मतलब चिड़िया खा रही हैं ये सारा, जो धीरे धीरे पक रहा है ना उसको खा रहे हैं भाई। इधर भी मतलब जो पक रहा है ना उसको चिड़िया खा जा रही हैं, उसको पूरा मतलब ख़राब कर दे रही हैं। तो इसको जहाँ हमको लग रहा है धीरे धीरे पकेगा तो इसमें सारा वही सब ख़राब कर देंगी भाई। हम लोग को भी नहीं मिलेगा खाने को। तो भैया देखो अब आ गए हैं हम बिल्कुल फील्ड में, और देखो मज़ा ले रहे हैं वॉलीबॉल का लोग, हमारे गांव के भाई लोग देखो कैसे खेल रहे हैं भाई। अब हम सिर्फ देख सकते हैं, दर्शक बन सकते हैं भाई, एक खेल ही नहीं पाऊंगा मैं। हेलो भैया, अरे यार बहादुर मारो यार, तेज मारो तुम, हम कहा धीरे धीरे मारता हूँ। उधर से उठ के उनके बाबा के पास आएगा, तो जय देखो हमारे भगियापुर के भाई, जय डॉक्टर है भाई डॉक्टर, जय गौहान में घूम घूम के दवा करते हैं, और उसके बाद जब अपना इनका मतलब दिहाड़ी हो ही जाता है। जय दिहाड़ी यार, नहीं बेखेल खेल यार। ये कैसे भाई लो? हाँ लगा है ये रात का जो है दारू पीले में हो गई बात, लड़ाई हो गई दोनों लोग में, दोनों लोग धुरंधर। और कौन थे? एक और जनरंजन के बोले का जनार्दन का। अरे यार तो भाई लोग लाइफ में इतना आजकल मतलब सच में कलयुग आ गया है ना। साहब जी आप सही बता रहे थे कि लोग अपने में ही लड़ रहे हैं भाई, क्या कहोगे? ऐसा सेंस रखो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, गलत चीज़ों में बिल्कुल ना बढ़े। हमको लगता है कि जब तक आप अपने आप पे ध्यान नहीं देंगे तब तक आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो ज़रूरी है लाइफ में आपको सही चीज़ें सोचना और सही चीज़ों पे स्टैंड लेना। तो देखो अब लड़ाई की है भाई, अब उसका चीज़ें भुगतान कर रहे हैं। तो भाई लोग आपको बता दूं, बहुत दिनों बाद हमें मिले हैं हमारे भैया जो कि हमारे से 20 साल बड़े हैं और हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे गांव के। तो अभी बहुत दिनों बाद मतलब इनको हम देख रहे थे, लेकिन एक काम पे चले जाने के वजह से हम इनके साथ थोड़ा टाइम नहीं मिलता था इनको। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि इनके साथ थोड़ा सा घुमा जाए, आया हूँ गाँव तो, लेकिन बड़ी कम मिलते हैं। तो अभी जानते हैं क्या करने जा रहे हैं हम, इनको समोसा खिलाने लेके जा रहे हैं। हम इनको समोसा खिलाने जा रहे हैं गाइस, आप देखिएगा, और इनको ना बहुत अच्छे से समोसा खिलाऊंगा। बड़ी मेहनतें हैं, देख रहे हैं आप, मेहनत करते हैं, इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं क्या बताया जाए आपको। तो अभी इनको
हम लेके जा रहे हैं, जरा हम लोग समोसा खाएंगे और थोड़ा सा अच्छा लगेगा भाई। हम लोग कुछ और तो खाने वाले हैं नहीं, सही बात है, शाकाहारी हैं भाई, शाकाहारी। अभी शाम को मछली चापेंगे, अरे इस समय से शाकाहारी हैं यार। अच्छा, जब लेना खेले रहा तब ले शाकाहारी रहना। हाँ, तो दोस्तों अभी मैंने क्लच जरा रखा है अपने मोबाइल का, अभी शाम को 7 बजने वाले हैं, तो चलो हम जरा वहाँ पे थोड़ा सा मज़ा लेते हैं, जहाँ पे भैया के साथ मतलब समोसा जहाँ पे खाएंगे, है ना। तो चलिए, तो दो हो भैया समोसा वमोसा। तो देखो भाई लोग, यहाँ पे हम लोग खाएंगे समोसा। दूध गोदा बना के बढ़िया दिया यहाँ पे समोसा भाई, हमारे गांव का सबसे मस्त समोसा बनता है। तो अभी हम लोग आए हैं खाने के लिए, भैया बनाते हैं, बहुत दिनों से बना रहे हैं, तो इनका समोसा काफ़ी टेस्ट रहता है ना भैया, बहुत मस्त रहता है। तो चलो दोस्तों, अभी शाम होने को है, तो अभी हम वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा और समोसे का मज़ा लेंगे। हमारे मीठी मत डलिया भैया, चटनी मत डलिया, हाँ मीठी डलिया। तो चलो हम वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, आशा करेंगे आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो जो करना चाहिए वो कर दीजिए। तो भैया अभी समोसा देख रहे हैं, समोसा मस्त से चटनी वटनी डाल के भैया दे दिए हैं बना के, तो मज़ा लीजिए समोसे का। और हम भी लेते हैं। हाँ, समोसा तो बनाने वाली बहुत अच्छी है। चलो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे आपको एक खूबसूरत से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।